I'm Jitendra Kumar. My channel name is Jitendra Kumar Economics. Mobile number 7050523991. आप लोगों के बीच आज एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें हम आरक्षण के बारे में कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। रिसेंटली अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% अपर कास्ट लोगों को आरक्षण का वादा किया है, प्रोविजन दिया है सरकारी नौकरी एंड गैर सरकारी नौकरियों में एडमिशन में है। लेकिन जो आधार पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण दिया है उसका लाभ सिर्फ अमीर परिवारों के अपर कास्ट के लोग, ऊंची जाति के लोग ही उठा पाएंगे। जैसा कि आज तक 1947 से लेकर आज तक हमारे देश के जिन छोटे लोगों को आरक्षण का लाभ दिया गया, छोटे जाति को, लेकिन उसका लाभ सिर्फ पैसे वाले ही उठाए, छोटे कास्ट में भी आरक्षण का जो आधार है जाति, ये नहीं होनी चाहिए। इससे सामाजिक डिवीजन होता है, सोशल डिवीजन को ये प्रमोट करता है। और आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं जहां सोशल डिवीजन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी ऑलरेडी अभी तो दो तरह के, जब हम आजादी हुए थे उस समय सिर्फ एक तरह का प्रॉब्लम्स थी। एक तरफ की क्या प्रॉब्लम थी कि जाति का सिस्टम, कास्ट सिस्टम इतना रिजिड था, इतना कठोर था। लेकिन अभी तो दो तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है प्रत्येक को। पहली प्रॉब्लम है जाति की प्रॉब्लम, आज भी उसी तरह सिविलाइज सोसाइटी में रिजिड है। कुछ तो हल्का हुआ मैं मानता हूं, लेकिन अभी भी जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब फैमिली से, उनको जाति पर भेदभाव किया जाता है, आज भी किया जाता है। आप रिच फैमिली से हैं तो आपको कोई नहीं कुछ बोलेगा, लेकिन एक गरीब फैमिली को नीचा दृष्टि से लुक डाउन ओपन किया जाता है, ये मैं कह सकता हूं। तो सब अब हमारी विचारधारा स्टार्ट होती है। लेकिन हमारी विचारधारा स्टार्ट करने से पहले अगर हमारा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर भेजिएगा। आपका कमेंट हमें और बेटर टू बेस्ट वीडियो बनाने के लिए आप लोगों की सेवा में प्रमोट करेगा, इनकरेज करेगा, जिससे हम और बेहतर वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारी ओपिनियन क्या है, आखिर आरक्षण का आधार क्या होनी चाहिए? आरक्षण के आधार दो होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स कंडीशन के आधार पर होनी चाहिए आरक्षण। कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स कंडीशन में भी किस प्रकार का, दो चीज। पहला एक होता है आदमी का इनकम, जिनकी इनकम अच्छी है, मंथली हो, सालाना हो, उन्हें आरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है। वो वेदर किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, गरीब हो, अमीर हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी आधार होना चाहिए वेल्थ। मान लीजिए हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारी इनकम मंथली नहीं, लेकिन हमारा वेल्थ जनरेट करता है इनकम। सपोज डेट हमारे पास 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, उससे हमारी खेती होती है, उससे हमारा जनरेट इनकम होती है और अच्छी खासी है, उन्हें का आरक्षण की क्यों देना चाहिए? आरक्षण सिर्फ उन लोगों को दिया जाए, उन मार्जिनल लोगों को दिया जाए जो वाकई में गरीब है, चाहे किसी भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ओके। और दूसरी बात है कि आप जिसे आप लोअर कास्ट में भी देखिएगा तो बहुत लोग अमीर हैं, और ये भी हम देखते हैं कि अपर कास्ट में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें आरक्षण की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। अगर आरक्षण के लिए कोई आंदोलन करता है किसी भी जाति में, तो पहला मैं बताता हूं भीमराव अम्बेडकर को किसने आरक्षण दिया था, जो भारत का संविधान लिख दिया, उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। जिसमें टैलेंट है वो खुद ले लेगा अपना, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो, थैंक्स वेरी मच।